से पहले आज का मोटिवेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन ये है, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। हेलो एवरीबॉडी, बढ़िया। सब क्वेश्चन सब सॉल्व कर रहे कि नहीं कर रहे? देखो, प्रिपरेशन करने के लिए जो प्रिपरेशन का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आप न्यूमेरिकल कितना सॉल्व करते हो। जितना ज्यादा पढ़ोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप बार बार थ्योरी को पढ़ोगे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कितने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। हर एक चैप्टर से आपको मिनिमम 1000 क्वेश्चन सॉल्व करना है और वो 1000 क्वेश्चन आपको मिनिमम 5 बार प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। तभी जाके आपका एक मतलब बेस बनेगा जो आपको हेल्प करेगा सिलेक्शन में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात आप समझ के चलो। न्यूमेरिकल अगर नहीं सॉल्व करोगे किसी चैप्टर का तो वो चैप्टर से न्यूमेरिकल अगर आया तो आप जितने भी थ्योरी पढ़ो लेकिन वो चैप्टर का न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा अगर आप उसका प्रैक्टिस नहीं किए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी आपको न्यूमेरिकल मिल रहा है, जो भी मॉड्यूल है आपके पास या फिर डीपीपी है, उसको सॉल्व करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिए कि यार डीपीपी तो हो गया, कि यार डीपीपी हो गया मॉड्यूल छोड़ो, कि मॉड्यूल कर लूंगा डीपीपी नहीं करूंगा। नहीं, जितना भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है उसको जितने बार चाहो उतना बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपके लिए बेनिफिट है, प्रिपरेशन का यही मतलब फंडा ही यही है। न्यूमेरिकल करोगे सिलेक्शन होगा, न्यूमेरिकल नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हम कर रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर का एक्सरसाइज एलएन मॉड्यूल से। तो हमने 100 तक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, 101 से आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 आपको पूछा है, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर एक्यूस सॉल्यूशन ऑफ NaCl कॉपर सल्फेट K2SO4R, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो दे रखा है, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट एंड K2SO4, ये तीनों के तीनों आपको क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, वेंटर फैक्टर आता है। तो जिसका वेंटर फैक्टर जितना ज्यादा तो उसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना ज्यादा आ जाएगा। NaCl जो आ जाएगा उसका वेंटर फैक्टर क्या है, 2। तो NaCl का वेंटर फैक्टर आ जाएगा आपका 2। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का वेंटर फैक्टर 2। K2SO4, K2SO4 जब टूटेगा ये बनाएगा 2K+ एंड SO4-2, तो टोटल में कितना वेंटर फैक्टर बनेगा, 3। देखो ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट में वेंटर फैक्टर का वैल्यू जो आता है दैट इज I होता है N, N मतलब होता है नंबर ऑफ आयंस फॉर्म बाय द डिसोसिएशन, क्योंकि यहां पर डिसोसिएशन होगा। तो डिसोसिएशन के केस में I = N आता है, देन इक्वल टू नंबर ऑफ आयन। तो सोडियम क्लोराइड जब टूटेगा नंबर ऑफ आयंस 2, तो I = 2। कॉपर सल्फेट जब टूटेगा नंबर ऑफ आयंस बनेगा 2, तो I = 2। K2SO4 जब टूटेगा नंबर ऑफ आयंस फॉर्म विल बी 3, हेंस I = 3। तो रेशियो आ जाएगा 2:2:3 दैट इज इक्वल टू 1:1:2 आ जाएगा आपका 1.5। तो ये आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 101 ऑप्शन नंबर 2 जो आ जाएगा ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 आपको दे रखा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन अज्यूमिंग 100% डिसोसिएटेड इन वाटर इज। तो NaCl सॉल्यूशन आपको दे रखा है, उसका कंसंट्रेशन आपको दे रखा है 1 मोलर, ठीक है। अब इसका पूछा है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालो, तो पहले डेल्टा TF निकालते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, डेल्टा TF इक्वल टू मोलालिटी इनटू KF इनटू आ जाएगा आपका I, ठीक है। तो मोलालिटी दे रखा है 1 मोलर, KF जो है दैट इज इक्वल टू 1.86, यहां पर I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, N, क्योंकि ये एक सॉल्ट है। तो मैंने बोला था सॉल्ट में डिसोसिएशन केस में I इक्वल टू होता है N, N मतलब नंबर ऑफ आयंस फॉर्म बाय द डिसोसिएशन। तो यहां पर ये जब डिसोसिएट होगा तो कितना नंबर ऑफ आयंस बनेगा, 2। तो यहां पर I का वैल्यू बन जाएगा आपका 2, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 3.72। ये आ गया डेल्टा TF। आपको पूछा है कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है TF ऑफ सॉल्यूशन, TF ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू TF नॉट माइनस डेल्टा TF। TF नॉट मतलब वाटर का TF नॉट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस डेल्टा TF कितना है, 3.72। तो आंसर आ जाएगा -3.72 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आपको मोलालिटी दे रखा था, केएफ भी दे रखा था, आपको बस आई मल्टीप्लाई करना था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको आई मल्टीप्लाई करना याद होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 आपको दे रखा है, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 0.51, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन NaCl इज हियर। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर आपको दे रखा है, तो इसका मतलब आपको Kp दे दिया दैट इज 0.51, मोलालिटी दे रखा है, पूछा है कि द बॉइलिंग पॉइंट कितना है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए डेल्टा Tp निकालना पड़ेगा, डेल्टा Tp इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू Kp। यहां पर आपको दे रखा है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन आपको दे रखा है तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहां पर आपको वाटर फैक्टर I मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सब इंपॉर्टेंट बात है। मोलालिटी आपको दे दिया 0.1 मोलर, Kp आपको दे दिया 0.54, और I जो है सोडियम क्लोराइड का I इज इक्वल टू कितना हो रहा है एसोसिएशन केस में, I इज इक्वल टू ये रहेगा जब अल्फा इक्वल टू 100%, तो ये सॉल्ट है अल्फा इक्वल टू 100% बनेगा तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा N, तो यहां पर I का वैल्यू बन जाएगा 2, तो 0.1 मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 0.102, ठीक है। आपको पूछा है बॉइलिंग पॉइंट Tb ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू Tb लॉग प्लस डेल्टा Tb, Tb नॉट टू 0 डिग्री सेल्सियस, Tb नॉट आपका वाटर है, वाटर का Tb नॉट जो आता है 13.100 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.102 दैट इज इक्वल टू 100.102 डिग्री सेल्सियस, तो 100.1 डिग्री सेल्सियस ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 आपको दे रखा है, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 0.52 केल्विन मोलालिटी इनवर्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड शुड बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 बिल्कुल जैसा था ये क्वेश्चन नंबर 104 वही, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। मुझे लगता है कि आप एक क्वेश्चन कर लो 103 का जैसे मैंने सॉल्व किया उसी तरीके से आप सॉल्व करना, ये 104 हो जाएगा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में आपको दे रखा है सॉल्यूट ए इज टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्यूट बी इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो ए जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, बी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये आ गया आपका इलेक्ट्रोलाइट, बी जो है दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। उसमें दिया है इफ 0.1 एम सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट बी, 0.1 एम सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट बी प्रोड्यूस एन ऑस्मोटिक प्रेशर 2p, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है 2p, देन 0.05 एम सॉल्यूशन ऑफ ए एट द सेम टेम्परेचर विल प्रोड्यूस एन ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पूछा है, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दिया कि ए जो है ये टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट और ये दे रखा है टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसमें नंबर ऑफ आयंस आ जाएगा आपका 3, तो नंबर ऑफ आयंस अगर 3 तो मतलब I इज इक्वल टू क्या बन गया आपका 3, 100% अगर मान लेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो I इज इक्वल टू क्या बन गया 3। अब यहां पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट में पाई इज इक्वल टू आता है सी इंटू आर इंटू टी, तो सी मतलब क्या है 0.1 इंटू आर इंटू टी, तो पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 2p, तो 0.1 इंटू आर इंटू टू पी का वैल्यू क्या आ रहा है 0.1 इंटू आर इंटू टी का वैल्यू आ रहा है 2p। अब यहाँ पर जब आप पाई का वैल्यू निकालोगे पाई इक्वल टू सी आर टी इंटू आ जाएगा आपका आई, सी आपको दे रखा है 0.05 इंटू आर इंटू आ जाएगा सेम टेम्परेचर टी इंटू आई आ जाएगा आपका 3, तो ये आ जाएगा 0.15 आर इंटू टी, ठीक है। देखो तो पी का वैल्यू कितना है, इसका पाई जो मिलेगा दैट इज 3p, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का जो ऑस्मोटिक प्रेशर 2p आ रहा था यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ जाएगा 50, तो राइट आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा था, दूसरा आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे रखा था, अब इलेक्ट्रोलाइट जो दे रखा था उसमें क्वेश्चन में पूछा था
टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट है। टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि ये आपका क्या है, ये आपका n = 3 आएगा इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बनेगा 3 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 आपको दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वड एंड कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एट 92.64 एंड 170 रेस्पेक्टिवली, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज। अब सिल्वर नाइट्रेट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पूछा है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा वो कितना है। अब इस क्वेश्चन पर HClO3 आपको आई मिल जाएगा, इसमें ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट रखा है। आई इज इक्वल टू क्या बनता है, आई इज इक्वल टू अबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय होता है नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। तो अबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय आ जाएगा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये इधर आ जाएगा कितना, कैलकुलेटेड और थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट। तो ये बन जाएगा आपका आई का फॉर्मूला। तो आई इज इक्वल टू कैलकुलेटेड प्लस थियोरेटिकल 170 डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वड एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट दैट इज इक्वल टू 92.64। तो 170 डिवाइडेड बाय 92.64 That is nearly equal to 1.83. अब ये पूछ रहा है कि degree of dissociation कितना है? Dissociation के बेस में y i is equal to होता है, that is 1 minus alpha plus nr. तो i मतलब 1.83, 1 minus alpha ये आ जाएगा n, n आपका कितना है? ये जब टूटेगा दो ion बना है, तो n is equal to 2 बन जाएगा, तो 2 alpha. तो implies that ये 1 इधर आ जाएगा 1.83 minus 1, that is equal to alpha. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको ऑब्जर्वड और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, इससे आप आई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आई के वैल्यू से आप डिसोसिएशन में आई का वैल्यू और अल्फा की, आई और अल्फा के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको यूज करके आप अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 आपको पूछा है द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट आर रेस्पेक्टिवली 65.6 एंड 164, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें HClO3 दे रखा था। अब इस क्वेश्चन में 107 में क्या दे रखा है आपको, कैल्शियम नाइट्रेट होता है CaNO3 का होल ट्वाइस। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या आ जाएगा, इसमें एन आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर एन जो आप 3 डालोगे तो उस हिसाब से आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना है, मुझे लगता है आपसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 आपको दे रखा है ए 0.004 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज आइसोटोनिक विथ ए 0.010 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, द अपेरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 के। क्वेश्चन में आपको आइसोटोनिक टर्म, आइसोटोनिक मतलब क्या आ जाएगा, पाई वन इक्वल टू पाई टू, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल। तब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू सी वन इंटू आर इंटू टी, ये आ जाएगा सी टू इंटू आर इंटू टी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर जो है 10 to 5 डिग्री सेल्सियस, सेम टेम्परेचर तो आर 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 टी टी सेम आ जाएगा। तो ये इंप्लाइज दैट सी वन इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब इधर रखा है ये, हाँ यहाँ पर थोड़ी सी हमने क्या गलती की, यहाँ पर पाई वन जो आ जाएगा दैट इज Na2SO4 का हम ले रहे हैं पाई वन, Na2SO4 और सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर हम ले रहे हैं पाई टू। अब पाई वन इक्वल टू जो आ जाएगा सी वन इंटू आर इंटू टी इंटू आई, ग्लूकोज का आ जाएगा सी टू इंटू आर इंटू टी। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर पाई वन का वैल्यू सिर्फ सी आर टी नहीं इंटू आई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर Na2SO4 जो है वो Na2SO4 एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज में ध्यान रखें। तो यहाँ पर आ जाएगा C1 into I is equal to क्या बनेगा C2, तो implies that I is equal to आ जाएगा C2 divided by C1, C2 आपका कितना दे रखा है 0.01 divided by C1 आपको दे रखा है 0.004। ठीक है, अब ये हो गया आपका I,
तो 0.01 डिवाइडेड बाय 0.004, तो यहां पर i का वैल्यू आपका निकल के आएगा -2 टोटल में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना बनेगा 3, सो यहां पे n इज इक्वल टू आ जाएगा 3 और ये अल्फा इंप्लाइज दैट 2.5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा तो इंप्लाइज दैट 2 अल्फा इज इक्वल टू 2.5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू बन जाएगा 1.5 तो ये अल्फा निकल के आएगा 1.5 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0.75 तो इसको परसेंटेज में निकालोगे आपको 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 75%। ठीक है, तो ये अच्छा है क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर आपको इक्वल दे रखा था, लेकिन एक इलेक्ट्रोलाइट था, दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। यहाँ पर जब आप पाई वन इक्वल टू पाई टू लिखोगे तो ये सी वन इक्वल टू सी टू नहीं आएगा, ये आ जाएगा सी वन इंटू आई इज इक्वल टू क्या बनेगा सी टू। तो ये चीज आपको ध्यान देना था, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ही बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 आपको पूछा है कि 5.8% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब 5.8% स्ट्रेंथ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विल एग्जर्ट एन ऑस्मोटिक प्रेशर क्लोजेस्ट टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। 5.8% वेट बाय वॉल्यूम सुक्रोज सॉल्यूशन, देखिए इसका कंसेंट्रेशन सेम दे रखा है, तो वो पूछा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर आएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर पाई वन इक्वल टू पाई टू आता है जब सी वन इक्वल टू सी टू आता है, लेकिन दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर NaCl का इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे I मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर कंसेंट्रेशन सेम है लेकिन ये सुक्रोज हो गया, तो इसमें I नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। 5.8% बाय स्ट्रेंथ ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये भी नहीं होगा क्योंकि सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें कंसेंट्रेशन जो आ जाएगा, देखिए पाई वन इक्वल टू आपका क्या आना चाहिए पाई टू, लेकिन यहाँ पर पाई वन जो आ रहा है सी वन आर टी इंटू आई आ रहा है, पाई टू इज इक्वल टू सी टू आर टी, क्योंकि सुक्रोज और ग्लूकोज दोनों क्या है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पर जब आई मल्टीप्लाई होगा सी वन इक्वल टू सी टू है, आर टी तो सेम है लेकिन आई डिफरेंट है, तो इसलिए पाई वन इक्वल टू पाई टू पॉसिबल नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, 5.8% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन में एग्जर्ट एन ऑस्मोटिक प्रेशर क्लोजेस्ट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये सेम है कंसेंट्रेशन, लेकिन इसमें आई जो है वो नहीं, इसमें आई है तो इसलिए इसका कंसेंट्रेशन सेम होने के बावजूद भी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं 2 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये मोलारिटी में कंसेंट्रेशन दे दिए, तो मोलारिटी में अगर कंसेंट्रेशन दिया है हम इसको कंसेंट्रेशन को मोलारिटी में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसका मोलारिटी निकाल लेते हैं। NaCl का जो मोलारिटी आप निकालोगे, मोलारिटी होता है W बाई NW इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V, W आपका कितना है वो देखा है 5.8% वेट बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये है कि 5.8 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, तो वेट आ जाएगा आपका 5.8 इनटू ये आ जाएगा आपका 1000 मॉलिक्यूलर वेट। सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, क्लोरीन होता है कितना 35.5, तो सोडियम का आता है 23, दैट इज इक्वल टू 58.5। ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर, तो ये आ जाएगा 100, तो ये कैंसिल आउट करेगा तो 10 बनेगा, दैट इज इक्वल टू मोलारिटी बन जाएगा आपका 1। तो यहां पर मोलारिटी कितना बना 1, तो सोडियम क्लोराइड का मोलारिटी बना 1। अब पूछा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें इक्वल आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें इक्वल आएगा, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा पाई वन इक्वल टू पाई टू, तो आर टी तो कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू बनेगा सी टू डिवाइडेड बाई सी वन, यहाँ पर आई NaCl का कितना बनेगा, आई NaCl का बनेगा कितना सोडियम क्लोराइड में 2 आयंस बनेंगे, तो आई इज इक्वल टू 2, इंप्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू आ जाएगा सी टू बाई सी वन, तो कंसेंट्रेशन सी टू जो होगा वो डबल आना चाहिए किसका, इंप्लाइज दैट सी टू इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू सी वन, तो सी टू कितना आना चाहिए सी वन का डबल आना चाहिए, सी वन हमने किसना कितना निकला NaCl का हमने निकाला कि 1 मोलर, तो सी टू कितना बनेगा 2 मोलर, तो 2 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन जब लोगे तो इसका और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बनेगा बराबर बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बारीकी से देखो, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा कि 5.8% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में एग्जर्ट एन ऑस्मोटिक प्रेशर क्लोजेस्ट टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन किसके बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, इसका कंसेंट्रेशन, इसका कंसेंट्रेशन, इसका कंसेंट्रेशन,
ये दोनों का कंसेंट्रेशन इक्वल है, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंसेंट्रेशन इक्वल होने से होता है ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल, लेकिन वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट केस में होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट दे तो इसमें नहीं होगा। बाकी आप देखो कंसेंट्रेशन यहाँ पर 2 मोलर दे रखा है, तो हम इसको भी मोलरिटी में निकाल लेते हैं, मोलरिटी में निकाला इसका कंसेंट्रेशन आपको कितना मिला 1। अब यहाँ पर आप जब बराबर करोगे ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है इक्वल, तो ये आ जाएगा C1RT into I C2RT, तो I is equal to बनेगा C2 by C1, तो इंप्लाई कर C2 आ जाएगा 2 into C1, क्योंकि I यहाँ पर 2 है, तो आपने C1 निकाला 1, C2 आपको कितना चाहिए 2 चाहिए, तो 2 मोलर से पूरा सॉल्यूशन जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 आपको दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन एट द सेम टेंपरेचर विल बी आइसोटोनिक, तो सेम टेंपरेचर आपको दे दिया, तो पूछा है कि इसमें से आइसोटोनिक कौन है। देखिए आइसोटोनिक के लिए आपको क्या चाहिए, π1 = π2, टेंपरेचर सेम आ गया तो इसका मतलब C1 = आ जाएगा C, लेकिन इसमें एक डिफरेंट भी आएगा, अगर किसी में अगर इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो वो आ जाएगा कितना I, उसमें मल्टीप्लाई करना। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा, टेम्परेचर आपको सेम मिल जाए, तो आपका इसका मतलब ये कि कंसेंट्रेशन इक्वल होना चाहिए, कंसेंट्रेशन अगर आपका इक्वल हो गया तो आपका क्या हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पे दे रखा है कि 3.42 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 1 लीटर वाटर, केन शुगर तो इसका कंसेंट्रेशन C1 पकड़ लो, C1 इज इक्वल टू W/mW * 1000 / V, W आ जाएगा 3.42 * 1000 / 342 * V आपका 1 लीटर मतलब 1000, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/100। C2 आपका क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज है W/mW * 1000 / V, W आपको दे रखा है 0.18 / 180 * 1000 / 1 लीटर मतलब 1000, ये 1000 1000 कैंसिल, 0.18 को 180 से काटोगे तो ये आ जाएगा 1/1000, ठीक है, तो इसका कंसेंट्रेशन 1/100 है, इसका कंसेंट्रेशन आपका कितना निकला 1/1000, तो यहाँ पर कंसेंट्रेशन इक्वल नहीं हो रहा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन तो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, ऑप्शन नंबर 2, 3.42 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 1 लीटर वाटर एंड 0.18 ग्राम ग्लूकोज इन 0.1 लीटर वाटर, अब इसका तो कंसेंट्रेशन हमने निकाल लिया 3.42 ग्राम का, अब इसमें C2 इज इक्वल टू आ जाएगा जो W/mW * 1000 / V, W आपका कितना है 0.18, मॉलिक्यूलर वेट आता है 180, ग्लूकोज 100 * 1000 0.1 लीटर, तो 100 मिलीलीटर, तो 100 से काटोगे ये 10 बनेगा, तो इसको जब आप काटोगे ये कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1/100, तो इसका भी कंसेंट्रेशन 1/100 निकल रहा है, अब इसका भी कंसेंट्रेशन कितना निकल रहा है 1/100, दोनों का अगर कंसेंट्रेशन सेम है इसका मतलब फाइबर इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा 5, तो ये ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा सही आंसर 2। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो दे रखा है, इसमें दे रखा है 3.42 ग्राम कैल्शियम इन 1 लीटर वाटर 0.585 ग्राम NaCl, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आई मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन आई मल्टीप्लाई करके आप चेक कीजिए इन दोनों का कंसेंट्रेशन, जो C1 = C2 * I अगर आएगा तभी जाके आपका क्या हो जाएगा ये वाले दो ऑप्शन सेम होंगे, तो इसको आप खुद चेक कीजिए C1 = C2 * I आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, क्वेश्चन नंबर 111 पूछा है, व्हिच सॉल्ट शोज मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर इन इट्स 1 मोलर कंसेंट्रेशन। देखिए मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर किसका आएगा, π = CRT होता है, अब जब इलेक्ट्रोलाइट होगा तो I मल्टीप्लाई होगा, जिसका I का वैल्यू ज्यादा आ जाएगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू क्या आ जाएगा ज्यादा, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप देखना इसमें I का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, नंबर ऑफ आयन जिसमें ज्यादा होगा उसका I का वैल्यू ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप इसे खुद सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, व्हिच सॉल्यूशन विल एग्जर्ट हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, 1 मोलर एलम सॉल्यूशन, 1 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। देखिए ग्लूकोज तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यूरिया भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है, एलम भी इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट में ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आयंस आपका ज्यादा आ जाएगा, तो आई का वैल्यू ज्यादा आ जाएगा, तो इसमें हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर जो आएगा वो 1 मोलर एलम सॉल्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, व्हिच इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन एंड 0.1 मोलर Na2SO4 सॉल्यूशन,
इसके भी चार ऑप्शन दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये हेल्प मिलना पड़ेगा किसका, आई के वैल्यू वेंटो फैक्टर का हेल्प लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखना आप ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। 113 हो गया। नेक्स्ट आते हैं 114 पर। 114 उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी आई के वैल्यू से आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन, ये आप खुद करना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 115 पर। द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन व्हिच इज सो मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर, वही मिनिमम किसका आएगा जिसका आई के वैल्यू मिनिमम आ सके, ओके। नेक्स्ट आते हैं 116 पर, वही क्वेश्चन है, ये 116 भी आपसे हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाएगा 117, ये भी वही आई के ऊपर क्वेश्चन है, ये आपसे हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं होगा तो फिर मुझे बताना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 118 पर। 118 आपको दे रखा है, टू सॉल्यूशन ऑफ KNO3 एंड CH3COOH आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली, मोलारिटी ऑफ बोथ 0.1 मोलर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज कितना। देखो KNO3 जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो सॉल्ट है, ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें I इक्वल टू N बन जाएगा, लेकिन CH3COOH जो है वो एक वीक एसिड है, एसिडिक एसिड वीक एसिड होता है, तो इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो आएगा वो बहुत कम आ जाएगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा अगर कम आ गया तो आई का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, डिफरेंट आएगा, तो यहाँ पर आई का वैल्यू भी कम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप प्रेशर निकालोगे P = C R × T × I, तो आई का वैल्यू 2 तक तो KNO3 के लिए, CH3COOH का वैल्यू थोड़ा सा कम आएगा, अल्फा के ऊपर डिपेंड करेगा कितना आपका अल्फा रहेगा, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा आ जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, तो P1 > P2 जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है 3, ओके। नेक्स्ट आपको दे रखा है 119, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन AlCl3 एंड CaCl2, ये भी वही आई के ऊपर डिपेंड करेगा, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 120 दे रखा है, द फॉलोइंग 0.1 एम एक्यूएस सॉल्यूशन विल लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट वही बात है, डेल्टा टी इक्वल टू मोलारिटी × K3 × I, जिसका आई का वैल्यू आ जाएगा आपका कम, उसका डेल्टा टी का वैल्यू आ जाएगा कितना कम, जिसका डेल्टा टी का वैल्यू कम आएगा जब आप फ्रीजिंग पॉइंट निकालोगे तो माइनस कम होगा, लेकिन जिसका डेल्टा टेप का वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगा जब आप फ्रीजिंग पॉइंट निकालोगे 0 - डेल्टा टेप तो वैल्यू भी ज्यादा माइनस में ज्यादा आ जाएगा, तो माइनस में ज्यादा आ जाएगा तो वो कम होगा, अगर माइनस में कम आ रहा है तो ज्यादा होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना और एक क्वेश्चन सॉल्व करना, इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये सब आई के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, वही है मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, ये आई के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 125, ये सब क्वेश्चन आपको आएगा, इसमें नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 126 भी आपसे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 127 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 128 भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पर। क्वेश्चन नंबर 129 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, इसको स्टार मार्क करके रखना। क्वेश्चन दे रखा है व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड में हमने क्या क्या मर्क्यूरिक आयोडाइड ऐड कर दिया, इट इज ही आयोडाइड, वो पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट चेंज, फ्रीजिंग पॉइंट इज रेस्ट, फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर, फ्रीजिंग पॉइंट डज नॉट चेंज। नॉर्मली आपको दिमाग में क्या आता है कि भाई सॉल्यूट ऐड किए तो फ्रीजिंग पॉइंट जो आता है वो डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो आंसर आएगा 3, एक्चुअली आंसर ये नहीं आएगा, आंसर आएगा 2, द फ्रीजिंग पॉइंट इज रेस्ट, क्योंकि यहां पर क्या होता है जो पोटेशियम आयोडाइड को आप HgI2 पर ऐड करोगे तो ऐड करने से क्या होगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड मर्क्यूरिक आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, बनेगा 2K2HgI4, ठीक है, तो एक कंपाउंड बनेगा, तो पहले ये आपके पास 2 मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड था, अब ये बनाएगा 1 मोल ऑफ K2HgI4, तो जो 2 मोल लोगे तो इसमें आपको 4 मोल आयंस मिल रहे थे, एक से बनेगा K+ और I- 2 मोल से आपको 4 मोल आयन मिलेंगे, लेकिन अभी आपको 1 मोल से कितने आयन मिलेंगे, ये जब टूटेगा बनाएगा 2K+HgI4−2, तो टोटल में आपको 3 मोल आयंस मिलेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिक्रीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब डेल्टा टीएफ आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा टीएफ जब डिक्रीज होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है दैट इज इक्वल टू TF0 - डेल्टा टी, तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, तो ये इसको माइनस करोगे तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ज्यादा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो पोटेशियम आयोडाइड को आप HgI2 ऐड करोगे
टू मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रेट रिएक्ट करके बनाएगा वन मोल ऑफ K2HCl आएगी। तो इनिशियली जो टू मोल बना रहा था फोर मोल आयंस, अब ये वन मोल जो बनेगा ये आपको देगा थ्री मोल आयंस। नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन डिक्रीज हो रहा है तो इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो डेल्टा टी एफ डिक्रीज हुआ, डेल्टा टी एफ डिक्रीज हो रहा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बढ़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन जो आ जाएगा राइट ऑप्शन दैट इज इक्वल टू सेकंड ऑप्शन फ्रीजिंग पॉइंट इज रेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 दे रखा है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन एज डिटरमाइंड बाय डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट मेथड कॉरेस्पॉन्ड टू डैश। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आयनाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, ट्राइमराइजेशन सॉल्यूशन। देखिए एसिड जो होता है वो सॉल्यूशन में डाइमर बनाते हैं तो ये ऑप्शन आ जाएगा सेकंड ऑप्शन डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो ये क्वेश्चन नंबर 130 तक हमने कर लिया। ठीक है तो मतलब यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 1 पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है ये एक्सरसाइज 1 हमने खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है समझ रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो थोड़ा सा कमेंट में बताइए कि सर बहुत अच्छा वीडियो है, इस तरीके की वीडियो बनाते रहिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगी। और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दिया करो, चैनल का सब्सक्राइबर काउंट थोड़ा सा बढ़ाओ क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है चलिए थैंक यू।